एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड से डिवाइड करो एक्स की पावर 5 माइनस 4x प्लस 3 को, एंड कॉन्स्टेंट एंड रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। कैसे करेंगे? देखो देखो, अब देखो ये क्यूबिक से डिवाइड करना है इसको, ये थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए थोड़ा, तो लेकिन कोई नहीं, करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 हो गया, और इसमें एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, ये बच्चा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x+3, ये जो है। ठीक है, अब इतना आया। यदि ये क्यूबिक है तो और भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे माइनस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन ऐसा, और माइनस करो तो ये माइनस वन प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स और ये माइनस 4x, तो ये माइनस 3x हो गया, और 3+1 तो ये 4 हो गया, ये 4 इस तरह का हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस 4 हो गया, ये इस तरह से। क्या फर्दर अब डिवाइड कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है रिमाइंडर की डिग्री से, इससे। तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया, दिस इज रिमाइंडर दिस इज क्वोशेंट, क्वोशेंट हो गया, दिस इज अ रिमाइंडर। तो अब इस बात डिस्कस करने वाली बात है कि यदि डिवाइजर 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 और रिमाइंडर अंडर इसमें यहां पे डिग्री रख देते हैं। बाय द वे डिग्री जो है ठीक है, ऐसा एक बात तो, यदि मैं कहूं कि डिवाइजर की जो डिग्री है जो, वो कुछ ऐसी है, यहां लेट से मैं 5 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री क्या क्या होगी, रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री क्या क्या होगी, सोच के बताओ। डिवाइजर का डिग्री 5 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या क्या हो सकती है, 4 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 1 और 0। 0 डिग्री मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया इस तरह से। यदि डिवाइजर की डिग्री यदि कुछ एन है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, n-1 n-2 ऐसे चलते चलते 2, 1 एंड 0, ये डिग्री हो सकती है। क्या इतनी बात समझ आई? तो अब यहां पे देखो, ऑब्वियसली डिवाइजर की डिग्री यदि एन है तो डिविडेंड की डिग्री इससे तो ज्यादा ही होगी, ऑब्वियसली डिवाइजर की डिग्री यदि 5 है तो डिविडेंड जो है 5 या more than 5 डिग्री का होगा, तभी आप उसको डिवाइड कर रहे हो इस तरह से। तो यहां पे एक स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं, आप लिखो ध्यान से, राइट ऑन ए स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है लिखो, लेट लेट पी एक्स
बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एंड जी एक्स जी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री एन एम ले लेते हैं कि पी एक्स का डिग्री एन है जी एक्स का डिग्री एम है सच दैट एम लेस देन और इक्वल टू एन then if we divide px by gx then degree of remainder then degree of remainder maybe क्या क्या हो सकती है बताओ हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड कहाँ तक जाएगा ये m तक m नहीं हो सकती m-2 और m-1 तक हो सकती है पॉसिबल डिग्री ऑफ remainder क्या ये स्टेटमेंट समझ है क्लियर हुआ क्या इतनी बात समझ आया ना तो यही चीज समझने की कोशिश कर रहे थे तो अब ये क्लियर हो गया अच्छा अब एक क्वेश्चन है राइट डाउन कि आप डिवाइड करो x-3 से डिवाइड करो x-3 से डिवाइड करो x³ + x-1 को अब एक बात बताओ सबसे छोटी डिग्री कितनी हो सकती है जीरो ही हो सकती है ना छोटी डिग्री जीरो हो सकती है और डिवाइजर है लीनियर तो कुछ भी होगा रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी ये बताओ पहले डिवाइजर लीनियर है डिवाइजर की डिग्री है 1 तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जीरो आएगा जीरो डिग्री आने का मतलब वो कांस्टेंट आएगा रिमाइंडर जब भी आप लीनियर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसा आएगा कांस्टेंट अब बताओ वो कांस्टेंट कितना आ रहा है आंसर करो कितना है 29 ना हाँ और कोसेंट कितना आया चेक कर यही आया सर -3x होगा -3x आ रहा है देख लो ध्यान से शाहरुख कितना आया सर x²+3x+10 यही आया ना हाँ बिल्कुल ठीक है सर तो अब देखो यहाँ पे ये जो डिविडेंड है x³ + x-1 को क्या लिखेंगे x-3 डिवाइजर इनटू कोसेंट कोसेंट हो जाएगा x²+3x+10 और प्लस रिमाइंडर 29 तो ये कांस्टेंट है दिस इज अ रिमाइंडर ठीक है ऐसा सिचुएशन है अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इसको देखो ये क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट में लिखा है वही तो राइट में लिखा है तो ये ट्रू होगा हर एक्स के लिए एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो यदि मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दू इसमें तो ये कितना हो जाएगा 3 पुट कर दू माय देव 3 क्यों पुट कर रहे क्योंकि ये देखो ये जीरो हो रहा है x-3 इक्वल टू जीरो किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा 3 पुट करने से हां सर
पुट करो, पुट करके देखो, 3 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो रहा है क्या? 27 प्लस 3 माइनस 30 हो जाएगा ना। हाँ, 27 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 29। तो मतलब ये 29 इज इक्वल टू ये 29 आ जाएगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा ये, बाय द वे, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यदि ये px होता, देखो ध्यान से, यदि ये px की बात करते कि ये px है, दिस इज अ px, तो देखो यदि ये डिवाइजर है और ये डिवाइजर जीरो हो रहा है x इक्वल टू 3 पे, और 3 p ऑफ 3 की बात करें तो p ऑफ 3 कितना आ रहा है, p ऑफ 3 29 आ रहा है, और ये सीधा डायरेक्ट क्या दे रहा है, रिमाइंडर की बात कर दे रहा है यहां पे। तो एक स्टेटमेंट है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है पॉलिनोमियल के लिए, राइट ऑन। और वो स्टेटमेंट क्या है कि यदि आप पी एक्स को डिवाइड करते हो किसी एक्स माइनस ए से, लीनियर से, और रिमाइंडर फिर समय क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस पी एक्स को क्या लिखेंगे बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ कोई कॉन्स्टेंट है क्यू, क्यू एक्स है, तो पी एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए इंटू कॉन्स्टेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर, यही हो गया ना, रिमाइंडर आर। तो दिस इज ट्रू। अब यदि ट्रू फॉर, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो मैं वो नंबर पुट करता हूं जहां पे ये फैक्टर जीरो हो जाए। तो x माइनस ए जीरो हो रहा है, मतलब x का वैल्यू a हो रहा है, तो x का वैल्यू a इसमें पुट कर देता हूं, तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p ऑफ a। तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है बता। क्या बोला जा रहा है, यदि हमें डायरेक्ट r चाहिए x माइनस a डिवाइड करने से, तो आप क्या करोगे कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a हो जाएगा, जैसे ऊपर लिखा था हम लोगों ने कि x माइनस 3 से डिवाइड करना है इसको और रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर को क्या लिख देंगे कि x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 डायरेक्ट, इसमें 3 पुट कर दो x की जगह, तो 3 क्यूब प्लस 3 माइनस 1, तो देखो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 29 आ रहा है, वही आ रहा है क्या, इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन लिखो, राइट, जैसे एक क्वेश्चन लिखो दोनों तरीके से, फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर when fx इज इक्वल टू x cube plus x square plus 2x plus 3 is divided by x plus 1। ऐसा करो दोनों तरह से करना है, दोनों ही मेथड, एक तो लॉन्ग डिवीजन और एक दूसरा अभी जो शॉर्ट कट दिया है, शॉर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है, वन ही आ रहा है ना इस तरह से। तो सॉल्यूशन देखो, एफएक्स ये है, अब देखो पॉलिनोमियल के लिए ये हमने ऐसे दे दिया, और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है एक्स प्लस वन, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस वन, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r हो जाएगा, क्या वो f ऑफ माइनस वन हो जाएगा, एच बाय द रिमाइंडर थ्योरम जो अभी किया हुआ है, तो ये पुट कर दो, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री, और चेक करो क्या ये वन आ रहा है, ये वन आ रहा है, इसकी वैल्यू वन आ रही है, रिमाइंडर वन हो गया इसका।
ठीक है, और यदि आप लॉन्ग डिवीजन से करते हो तो भी ये वन ही आता है, ठीक है। चाहे अब एक और क्वेश्चन। सर हाँ यस, आप एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ देखो ना ये स्टेटमेंट देखो, हाँ ठीक है सर। समझ आया कि नहीं समझे। देखो px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, px को हाँ डिवाइड सर। है ना, तो कोसेंट qx आया, हाँ कोसेंट मिल गया और रिमाइंडर मिल गया। हाँ सर समझ गए। कोसेंट मिला, qx रिमाइंडर है r, एक्स माइनस ए आ गया। तो सेम सेम कंसेप्ट लगा है यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन है। सेम है इसमें, आप फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। आंसर करो कितना आंसर आ रहा है। 19/8, देखो चेक करो अपना, 19/8 आ रहा है। माइनस वाला कि प्लस वाला, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा सर प्लस में आ रहा है। सर प्लस में आ रहा है लेकिन। है। चलो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो डिवाइजर ये देखो, 2x+1 को 0 करें तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ -1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एफ ऑफ -1/2 कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर रख देंगे तो -1/8, यहाँ पर रखेंगे तो -7/2 आ जाएगा एंड +6, सो दैट इज कितना हो गया ये 19/2 -1 और -4 7 28 28 प्लस ये अपॉन 1 है 8 6 48 48 आ गया। तो ये कितना हो गया देखो, ये इसमें से ये 28 जाएगा तो 20 बचेगा -1, 19/8 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, क्या इतनी बात समझ आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, सेम वे में यदि px इस समय देखो, px है कुछ, px है x^4 प्लस 6x³ प्लस 13x² प्लस 12x प्लस 6, और इस समय डिवाइजर है एक्स प्लस टू, बताओ रिमाइंडर कितना हो गया। अब दोनों तरीके से करो इसको, लॉन्ग डिवीजन से भी करो और शॉर्टकट से भी करो, शॉर्टकट मेथड मतलब जो स्टेटमेंट था रिमाइंडर थ्योरम का, उससे करो। सर 2 ही आ रहा है। ओके समझ आया ना, क्लियर हो गया ना, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ऑफ -2 हो जाएगा इस समय, और इसको कितना -2^4, तो मतलब 16 हो गया, और ये यहाँ पे कितना हो गया -48, यहाँ पे +52, यहाँ पे 24 प्लस 6, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 16,
52 माइनस 48 क्या प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस 24 माइनस 18। देखो ध्यान से ये माइनस 18 बचेगा, तो 16 और 2 18, तो ये 2 आ गया, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। क्या इतनी बात समझ आए? राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एन अननोन पॉलिनोमियल yields are remainder 2 upon division by x minus 1 comma and remainder 1 upon division by x minus 2 first of what remainder is obtained if this polynomial is divided by x minus 1 into x minus 2। क्वेश्चन समझ आए क्या? आंसर करो इसका। चलो मैं बताता हूं क्या बोला जा रहा है कि एक अननोन पॉलिनोमियल px है, लेट से एक पॉलिनोमियल px है, उसका रिमाइंडर 2 आता है यदि वो x माइनस 1 से डिवाइड करे। तो x माइनस 1 इंटू क्यू कोसेंट q1x लेट से प्लस 2 आ जाएगा ऐसा। और यही पॉलिनोमियल ऐसा भी है कि यदि इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, ये कोसेंट 2x है और इस समय रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि p ऑफ 1 जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 मिल रहा है, मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और उसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि p ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, ये गिवन है, इतना गिवन है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उसी पॉलिनोमियल px को यदि आप इससे डिवाइड करो, तो यदि इससे डिवाइड करो और ये क्वाड्रेटिक है, देखो ध्यान से, तो रिमाइंडर का फॉर्मेट अब कांस्टेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। अब इसी px को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, तो कुछ कोसेंट मिलेगा, लेकिन अब जो रिमाइंडर मिलेगा, कोसेंट x का फंक्शन होगा, अब जो रिमाइंडर मिलेगा वो कांस्टेंट होगा, ये गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक डिवाइजर है, तो क्वाड्रेटिक डिवाइजर है तो मैक्सिमम रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है, लीनियर हो सकती है,
मतलब 2 डिग्री का डिवाइजर है तो सबसे बड़ा रिमाइंडर का डिग्री कितना हो सकता है, 1 हो सकता है पॉसिबल। तो हमें रिमाइंडर का फॉर्मेट कुछ लीनियर लेना पड़ेगा, वो कुछ ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट का रिमाइंडर लेना पड़ेगा ऐसा। अब ये दो चीजें गिवन है, तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें हर एक के लिए ट्रू होगा। और ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर में ए हमें पता नहीं है, बी नहीं पता है, इसके लिए ही तो ये दो कंडीशन गिवन है। तो जैसे यदि मैं पी ऑफ वन करूं तो पी ऑफ वन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, देखो ये जीरो प्लस ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू टू के इक्वल हो गई। एंड पी ऑफ टू की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये जीरो प्लस टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, वन के इक्वल हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व देम। तो इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो ए इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। ए माइनस वन आ गया तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, माइनस वन इधर पुट करें तो थ्री, तो ए माइनस वन बी थ्री, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर देखो ए एक्स प्लस बी है तो मतलब माइनस एक्स प्लस थ्री है, ये रिमाइंडर हो गया। क्या इतनी बात